प्रसव के नाम पर हजारों रुपयों की उगाही करने, डिलीवरी में शिशु की मौत होने और पूरा बिल चुकता करने तक महिला को अस्पताल में ही रखने के मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर गुरुवार को प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत और तिसरी के थाना प्रभारी रंजय कुमार भंडारी रोड स्थित लक्ष्मी अस्पताल पहुंचे। हालांकि इससे पहले ही अस्पताल प्रबंधन ने उस महिला को छोड़ दिया था। वहीं मौके पर एक भी डॉक्टर या एएनएम नहीं पाए गए। इस दौरान डॉक्टर देवव्रत ने अस्पताल के डायरेक्टर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पैसे के लिए प्रसूता को नहीं छोड़ने के मामले को अमानवीय बताया। साथ ही बगैर सीजर किए नॉर्मल डिलीवरी में 32,000 रुपये का भारी भरकम बिल बना देने के सवाल पर डायरेक्टर ने चुप्पी साध ली। वहीं थाना प्रभारी रंजय कुमार ने भी अस्पताल प्रबंधन को फटकारते हुए गरीबों का दोहन न करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर देवव्रत ने अस्पताल के डायरेक्टर जमाल अंसारी से अस्पताल द्वारा पंजीकृत किए गए कागजात समेत अन्य डॉक्यूमेंट की मांग की, जिस पर डायरेक्टर ने बक्से में कागजात रहने का हवाला देकर 1 घंटे का समय मांगा। वहीं अस्पताल में मरीज एडमिट रहने के बावजूद डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं रहने को लेकर भी प्रभारी ने सवाल खड़े किए, जिसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सारे कागजातों के साथ अस्पताल प्रबंधक को अपने कार्यालय आने को कहा। बता दें कि बीते 23 सितंबर को जीरावा देवी नामक गर्भवती महिला को लक्ष्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के नाम पर उनसे 32,000 रुपये मांगे गए, जिनमें से 20,000 रुपये जमा करवा दिए गए थे, लेकिन महिला की नॉर्मल डिलीवरी करवाई गई जिसमें शिशु की मौत हो गई थी। उसके बाद भी बाकी के बचे पैसे जमा कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा महिला पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगा था। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर देवव्रत ने कहा कि मामले को लेकर उन्हें लिखित शिकायत मिली थी, जिसको लेकर उन्होंने सीएस के आदेश पर लक्ष्मी अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल प्रबंधक से सभी कागजात मांगे गए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सिविल सर्जन को भेजा जाएगा और सीएस के आदेश पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। पेशेंट को आया तो सर्जन जब आए तो उनको बुला करके बोला गया, जिसका मोबाइल रिकॉर्ड भी है और कागज पर भी दस्तखत, समझे। जब पेशेंट को देखा तो डॉक्टर बोला कि बच्चा पेशेंट जो बच्चा जो है डेथ कर चुका है, मशीन लगा इस बात में बताइए, हम समझ चुके हैं। या हमको क्लाइमेक्स बताइए कि जब बच्चा नॉर्मल इशू हो गया, निकल गया पेट से जिस अवस्था में निकले, फिर 27,000 किस चीज का, हमको इसका जवाब चाहिए, आप दीजिए चाहे डॉक्टर साहब। जब ऑपरेशन होता, ऑपरेट होता, आपके यहाँ रहता तो एक समझ में आता, 27,000 साला रांची के सैंपल का नहीं होगा, 1 घंटा 2 घंटा और दिन भर का। और तीसरी में आप लोग आवेदन कर रहे हैं, बुलाइए डॉक्टर को, बुलाइए आवेदन कौन दिया था? तो वहाँ बताया बच्चा पेट में फंसा हुआ है, आप जाइए तीसरी हॉस्पिटल। ठीक है, तीसरी हॉस्पिटल भी गया, वहाँ भी बोला कि बच्चा फंसा हुआ है, बेगर ऑपरेशन का नहीं होगा, समझे ना। तो उधर आया था, वो पेशेंट उधर का मेरे पास आया था, समझे ना, तो यही लेके चला आया मेरे पास। बच्चा फंसा हुआ करते हैं जी? बच्चा फंसा हुआ का आप करते हैं जी सर? क्या करते हैं सर? नॉर्मल ही हो गया, ये तो प्रोसीजर करना पड़ता है। करते हैं नहीं सर, करते हैं जितना भी मेडिसिन चलेगा मेरा चलेगा, उसका पेशेंट खुद बोलेगी सर। और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर, हम 1 घंटा में सर लेकर के आपको सर बताएंगे। 1 घंटा सर हम क्या बोले सर, है बक्सा में, समझे ना, ताला तोड़ना पड़ेगा, नहीं अभी तोड़ देते हैं सर, हमारा मैडम यहाँ रहती है कभी।